उसी को देखते हुए पुलिस अधीक्षक स्वयं व्यवस्था का जायजा लेने नेमावर पहुंचे हैं, जहां नाव से नर्मदा तटों के ग्रामों में पहुंचे हैं। सारी व्यवस्था चाक चौबंद है, आम नागरिकों को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो इसके लिए भोजन पानी और ठहरने की पर्याप्त व्यवस्था की है। डॉक्टरों की टीम तैनात है, साथ ही पुलिस अधीक्षक ने NDRF की टीम के लिए भोपाल बात की है। वैसे उसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी NDRF की टीम की मांग की है। यह बात कलेक्टर श्रीकांत पांडे ने मीडिया से मुखातिब होते हुए नेमावर में कही। तवा और बरगी डैम के गेट खोले जाने से नर्मदा का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, उसी को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट और सतर्क है। पुलिस के जवान, गोताखोर, नगर सैनिक तथा ग्राम सुरक्षा समिति के साथ ही सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारी निचली बस्तियों में तैनात किए गए हैं। खाते गांव से सादिक खान की रिपोर्ट। आप यहां पर आए हैं, क्या स्थिति है? देखिए, जैसा आपको मालूम है, खाते गांव में पिछले 3 दिनों में लगभग 18 सेंटीमीटर बारिश हुई है और उसी के कारण नर्मदा जी जो खतरे का निशान है उससे ऊपर नर्मदा जी बह रही है। उसी को देखते हुए हम लोगों ने, मैंने और SP साहब ने यहाँ का गठन किया है। हमारी पूरी व्यवस्थाएँ चाक चौबंद है। जिन गांवों की कनेक्टिविटी ख़त्म हो गई है उन गांवों पर विशेष रूप से हमारी निगाह है। हमारी पूरी कोशिश है कि किसी भी तरह से आम नागरिकों को तकलीफ ना हो, जिन्हें पानी, भोजन, दूध जो भी जरूरी चीज़ें हैं मुहैया कराई जाए और उनसे लगातार एक संपर्क रखा जाए। डॉक्टर्स की भी टीम हमने यहाँ लगाई हुई है और आज SP साहब और मैंने भोपाल स्तर पर चर्चा करके SDRF की भी टीम विशेष रूप से बुलाई है। इसकी तात्कालिक आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम लोग आने वाले 24 या 48 घंटे के लिए चिंतित हैं और वो जो टीम है उसमें हमारी दोस्त भी आ रही हैं और उनके जो एक्सपर्ट स्विमर्स हैं वो लोग भी आ रहे हैं कि अगर कहीं रेस्क्यू किसी आती है तो वो हम कर सकते हैं। सर, आज बोर्ड के द्वारा भी आपने कहीं भ्रमण किया गया नर्मदा में? हाँ, हम लोग वस्तु स्थिति की जानकारी लेने के लिए बोर्ड से गए थे और हमारा उद्देश्य यही था कि जो लोगों को जिन गाँव में हमने नीचे से ऊपर शिफ्ट किया हुआ है वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। वो पूरी तरह से सुरक्षित है। हमारे पुलिस ऑफिसर्स लगे हुए हैं, हमारे अग्नि ऑफिसर्स लगे हुए हैं, हमारा जो कंट्रोल रूम है वो काम कर रहा है। कंट्रोल रूम में हमारे दीगर विभागों के अधिकारी भी हैं। MPP को हमने निर्देशित किया हुआ है। फूड की हमारी टीम यहाँ काम कर रही है, जनपद की हमारी टीम है और सारे पुलिस ऑफिसर और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो पूरी तरह से 24 घंटे इस काम के लिए तैयार है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे